हेलो दोस्तों, अगर इस बार इस वीकेंड आप भी वृंदावन घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वैष्णो धाम जरूर घूम के आइए, जहां पर आपको वैष्णो देवी माता की गुफा, वैष्णो देवी माता के मंदिर का दर्शन होने वाला है। हाल फिलहाल गुरु ये जो वृंदावन में मंदिर है कुछ ही साल पहले बना है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए देख लेते हैं वैष्णो धाम मंदिर जाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ से इसका रास्ता है और क्या इसका टिकट प्राइस है और वृंदावन में घूमने लायक सबसे अच्छी अच्छी जगह कौन कौन सी है। वीकेंड पे अगर आप वृंदावन जाने का सोचते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, एकादशी और पूर्णिमा को भी अगर उस दिन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। कई भक्त तो वापस ही लौट जाते हैं बांके बिहारी मंदिर से देख कर इतनी सारी भीड़। तो चलिए देख लेते हैं मंदिर को भी। तो अभी पहुँच चुके हैं वैष्णो देवी धाम और यहाँ से एंट्री, अंदर चलते हैं। यहाँ से वैष्णो माता मंदिर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करने से पहले ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में जूता घर है, जहाँ पर आपको जूते उतारने हैं, उसके कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सेवा है और यहाँ से होती है एंट्री मंदिर के लिए। पहले ऊपर मंदिर दर्शन होते हैं, उसके बाद जब आप पूरा ऊपर घूम के आते हैं तो आपको ये नीचे के गुफा के दर्शन होते हैं। तो गुफा तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं ऊपर, मंदिर का रास्ता है यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले मंदिर देख लेते हैं। और बहुत ही बड़ी माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत भव्य माता का रूप है और साथ में हनुमान जी का भी मूर्ति वहाँ पर रखी गई है, जो बेहद ही खूबसूरत लगती है। तो जैसे ही आप ऊपर आ जाएंगे तो इस तरह से आपको वैष्णो माता मंदिर के दर्शन होंगे और वैष्णो माता का मेन मंदिर है ये, और इस तरह से पूरे चारों तरफ इसका चक्कर लगाया जाता है। दोस्तों, बीच में वैष्णो देवी माता की जो है मूर्ति की स्थापना की गई है, चारों तरफ सभी देवी देवताओं की झलकियां आपको देखने को मिल जाएंगी, मनोहारी दृश्य है, बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र हैं, वर्णन है, झांकियां हैं, इस तरह की चीजें आप वीडियो में भी कैप्चर कर सकते हैं और इसका आनंद भी ले सकते हैं। मंदिर बेहद खूबसूरत है, चारों तरफ से इसी तरह से बना है, सेंटर में है वैष्णो माता। और चलिए वैष्णो माता देख लेते हैं। आज वैष्णो माता गुलाबी रंग की वेशभूषा में है, जैसे कि मैंने भी अपनी नवरात्रि पर माता रानी को गुलाबी रंग में रखा हुआ था पूरा ही, तो इसी तरह से आज मुझे भी वैष्णो देवी माता के जो दर्शन हो रहे हैं गुलाबी रंग की साड़ी में, गुलाबी चोले में, चुनरी में, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य मंदिर। नीचे पिंडी दर्शन आपको मिल जाएंगे और इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट के साथ आपको पूरी दीवारों पे मंदिर के चारों तरफ आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और सच बताऊँ दोस्तों, वीडियो में शायद आपको इतना अच्छा ना लगे बट रियल में ये बहुत खूबसूरत है, सारा पत्थर से बना हुआ है ना, तो इतना ठंडा लगता है, चलने में भी ठंडा है और जब अंदर जाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स तो आती ही हैं। और इस तरह से बाहर निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर की गुफा में। तो यहाँ से एंट्री है और ये देखिए माता जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन से हम नीचे वाले पोर्शन में आए हैं, अभी हम ऊपर ऐसे यहाँ से पूरा घूम के आए हुए थे, अब हम नीचे वैष्णो माता मंदिर की गुफा देखने जा रहे हैं। और ये पार्क है, हालांकि इन्होंने बंद किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत हरियाली से घिरा हुआ मंदिर है, बहुत ही शांत प्रिय मंदिर है। और जैसे कि मंदिर में भीड़ अक्सर रहती है, लेकिन वैष्णो धाम मंदिर में आपको भीड़ नहीं मिलेंगी। जब आप वृंदावन के लिए दिल्ली हाईवे से जा रहे होंगे ना, नैनीसवंद से जा रहे होंगे, तो आपको ये सबसे पहले वैष्णो धाम मंदिर ही पड़ जाएगा, प्रेम मंदिर वाली लाइन में ही आपको मिलेगा। और वैष्णो धाम मंदिर की ये है गुफा, दो ये देखिए दो पॉइंट है, एक ये है एंट्री की और दूसरी साइड जो गुफा मैंने आपको दिखाई वो थी एग्जिट की। तो चलिए भाई, भगवान वैष्णो देवी का नाम लेकर चलते हैं गुफा में। गुफा में पूरा भव्य रूप दिखाया गया है, नौ देवियों का रूप है, नौ देवियों के दर्शन है। सबसे पहले गणेश जी और रिद्धि सिद्धि और विष्णु भगवान, राम सीता और शिव शंकर परिवार के भी दर्शन है। दूसरी साइड आपको नौ देवियों के दर्शन देखने को मिलेंगे,
गुफा में चलते हुए आपको पूरी फीलिंग आएगी गुफा वाली। लाइट इफेक्ट्स दिया गया है, नीचे पानी की हल्की सी आपको मिलेगा। सावधानी से चढ़िए दोस्तों, और घूमते घूमते ऊपर तक जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर लगानी पड़ती है माता रानी की परिक्रमा। ये देखिए नीचे से मैं आपको ये जो मूर्ति है ये दिखा रही थी, और ये है हनुमान जी। अब हम इसकी करते हैं परिक्रमा। एक पूरी परिक्रमा करने के बाद जब आप दूसरी साइड से उतरेंगे तो उस गुफा में भी आपको 9 शक्तियों के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। बहुत सारी बड़ी गुफा है, और ये देखिए हमने पूरा एक चक्कर लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड से एग्जिट हो रहे हैं ना, तो अब ये वाली गुफा पड़ रही है। और ध्यान से दोस्तों, बहुत चिकने पत्थर की तरह, हो सकता है आप फिसल भी सकते हैं। ध्यान से उतरिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। यहाँ पर आपको वैष्णो देवी के दर्शन होने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। वृंदावन जा रहे हैं तो एक बार विष्णु धाम और ये वैष्णो धाम, दोनों धाम जरूर जाइए। वैष्णो धाम के जस्ट पहले ही पड़ जाता है विष्णु धाम, जस्ट पहले ही इसी जहाँ से ये रास्ता जा रहा है ना, राइट साइड में ही उसके आपको दर्शन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ से हो रहे हैं हम एग्जिट। बहुत ही खूबसूरत एग्जिट पे भी बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य है। राधा कृष्णा के गौ ग्वाले और वृंदावन की सारी झांकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया। थैंक्स फॉर